इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा है कि कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार दोस्तों, रीडर्स बुक सब में आपका फिर से स्वागत है, और आज की चर्चा पैसे पर है। जी हाँ, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा माँ के कोख से निकलता है। वैसे ही पैसे को सही ढंग से समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस बुक के इंट्रोडक्शन में कुछ और बात करूं, उससे पहले मुझे डॉक्टर ए कोकेन की बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं, और इसके बाद किस तरह से अमीर बनें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी ठोकरें खाई हों, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से का गम लिए हैं और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए लाइफ के आज की जिंदगी के आज के लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि आप क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत खूबसूरती से एड्रेस करते हैं। पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब जिंदगी में सफल होने का मतलब ज़्यादा पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल 6 घंटे 8 घंटे के होते हैं, पर बात की जो वक्त है वो घर पे बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चों को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसके इम्पोर्टेंस, उसकी मेहनत के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी, शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए। बहुत सारी फिल्में बनी हैं लेकिन आज भी हम मार्क्स 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 के पीछे भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तब वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत ज़रूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा ज़रूरी है।